नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। किस तरह जिहादी हिंदुओं की आस्था के साथ वर्षों से खिलवाड़ करते आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण केरल के सबरीमाला मंदिर में देखने को मिल जाता है, जहां वर्षों से हिंदू श्रद्धालुओं के बीच एक मिथक स्थापित कर झूठ की परंपरा चलाई जा रही है। दरअसल इन दिनों सबरीमाला मंदिर में स्थित भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए 41 दिवसीय यात्रा चल रही है। इस यात्रा में भक्तों को पहाड़ी मार्ग पर कई किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ता है। कहते हैं कि मार्ग में यदि किसी शव के दर्शन भी हो जाए तो श्रद्धालु बिना स्नान किए आगे नहीं बढ़ते। हालांकि ऐसी पवित्र यात्रा को अपवित्र करने का प्रयास वर्षों से किया जा रहा है। सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में बावरी मस्जिद में जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। जिहादियों द्वारा स्थापित इस झूठ की परंपरा को और आगे बढ़ाने में केरल की वामपंथी सरकार उनका साथ देती है। पांच जन्ने की खबर के अनुसार केरल की सरकार ने इस यात्रा के मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं की है। यहां तक कि बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में विश्राम करने तक की सुविधा नहीं है। इसके अलावा पीने का पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी इस यात्रा मार्ग पर काफी दूरी पर है। ये तब है जब इस मंदिर और यात्रा से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है, लेकिन हिंदू श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करने के बजाय केरल की पिनाराई सरकार के राज में यहाँ मंदिर के मार्ग में एक विशाल मस्जिद बनवा दिया गया है। आपको बता दें कि जिस जगह मस्जिद बनी है उस जगह पहले एक छोटा सा मजार बनाया गया था। इस मजार के साथ ही हिंदुओं के बीच एक झूठा विमर्श खड़ा कर दिया गया कि भगवान अयप्पा और वावर यानी बाबर घनिष्ठ मित्र रहे हैं, इसलिए वावर के दर्शन के बिना भगवान अयप्पा का पूजन अधूरा है। इस झूठे विमर्श के साथ पहले हिंदू श्रद्धालुओं को उस मजार पर जाने के लिए प्रेरित किया गया और अब उन्हें उस मस्जिद में ले जाया जाता है। वहां हिंदू श्रद्धालु जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो मस्जिद के लिए खर्च होता है। ये भी कह सकते हैं कि उस मस्जिद के निर्माण में हिंदू श्रद्धालुओं का भी पैसा लगा है। हैरानी की बात है कि अयप्पा मंदिर का चढ़ावा तो देवासम बोर्ड द्वारा सरकार के पास भेजा जाता है, लेकिन बावरी मस्जिद का चढ़ावा इस्लामी कार्यों में लगता है। हालांकि अब धीरे धीरे इस षड्यंत्रकारी परंपरा के खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे हैं। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने इसे हिंदू धर्म और परंपराओं का अपमान करार देते हुए इसे बंद करने की मांग की। यहां तक कि उन्होंने सबरीमाला के लिए प्रसाद वितरण की दुकानें मुसलमानों को देने को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये सरेआम श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास के साथ धोखाधड़ी है। बीएचपी प्रवक्ता ने सबरीमाला मंदिर मार्ग में मुस्लिम होटल्स को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हलाल भोजन और मुस्लिम होटलों में खाना खाने के लिए भक्तों को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के इस पवित्र तीर्थ को खत्म करने का कम्युनिस्ट सरकार का ये प्रयास है। उन्होंने इसे जिहादी षड्यंत्र बताया। आपको बता दें कि केरल की सरकार हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है और उनके इसी विरोधी रुख की वजह से हिंदुओं द्वारा उनका विरोध भी होता आया है। बीते वर्ष अप्रैल 2023 में पालकी परेड की हिंदू परंपरा का अपमान करने की एक घटना के जवाब में केरल में विरोध प्रदर्शन हुआ था। ये घटना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव MV गोविंदन द्वारा आयोजित एक विरोध मार्च के दौरान हुई, जिसके दौरान CPM प्रतीक चिन्ह के साथ पालकी लेकर एक प्रतीकात्मक जुलूस निकाला गया। इसके अलावा केरल विधानसभा के अध्यक्ष AN शमशीर द्वारा भगवान गणेश पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठनों और प्रदेश BJP ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध किया था। बहरहाल सरकारें, वामपंथी दल या जिहादी अपने अपने फायदे के लिए इस तरह से हिंदू विरोधी विमर्श पैदा करने की कोशिश तो करते रहेंगे, लेकिन हिंदुओं को ये सोचना और समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत, साथ ही इन षड्यंत्रों का भी विरोध करना होगा।